आप इसमें काफ़ी सारी इयररिंग्स अपनी यू नो हाउ मच 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 4 into 6 36. Hey guys, welcome to my channel लकड़ी वाली और आज मैं करने वाली हूँ मेरा क्लब फैक्ट्री का हॉल. तो मैंने लास्ट टाइम एक क्लब फैक्ट्री का वीडियो बनाया था एंड दैट वॉज रियली अप्रिशिएटेड, काफ़ी वायरल भी हुआ था. तो मैंने सोचा कि मैं एक दूसरा अपना क्लब फैक्ट्री हॉल बनाऊं, बट इस टाइम थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है कि मैंने इन प्रोडक्ट्स को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूज़ किया है. तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ हॉल प्लस रिव्यू ऑफ क्लब फैक्ट्री प्रोडक्ट्स. तो इससे आपको पता लग जाएगा कि यू नो कुछ महीने के बाद इन प्रोडक्ट्स के साथ क्या होता है, आर दे रियली वर्थ द मनी, क्या ये सस्टेन करते हैं, इनकी क्वालिटी कैसी है एंड एवरीथिंग. क्योंकि इवन इफ यू आर गेटिंग थिंग्स बहुत सस्ते में, फिर भी बहुत मैटर करता है कि आपका सामान अच्छा होना चाहिए क्वालिटी वाइज भी, तो सो दैट कि आपके पैसे ना डूबे. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं देखने के लिए कि मैंने क्या क्या खरीदा है और उनकी क्वालिटी कैसी है और मुझे कितने में मिला एंड एवरीथिंग, देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. सबसे पहले क्लब फैक्ट्री के बारे में आपको बता देती हूँ. क्लब फैक्ट्री एक ऐप है जहाँ से आप जाके बहुत सस्ते दाम में सामान खरीद सकते हैं एंड क्लब फैक्ट्री शिप करता है चाइना से इंडिया में. तो अगर आपको कोई भी सामान एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट खरीदना है तो आप क्लब फैक्ट्री से खरीद सकते हैं. सेकेंड पॉइंट जो मैंने अभी तक नोटिस किया है कि क्लब फैक्ट्री पहले बहुत ज़्यादा सस्ता था, बट अभी उसके जो यू नो प्राइसेस हैं वो कंपेरेबल है अमेजोन और फ्लिपकार्ट से. काफ़ी माइन्यूट डिफरेंस होता है प्राइस का. तो अगर आप बल्क में बहुत कुछ खरीद रहे हैं तो आपके लिए क्लब फैक्ट्री काफ़ी यू नो बेनिफिशियल रहेगा. अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि आप अमेजोन वगैरह से ही सामान खरीदें. पॉइंट नंबर 3, आपकी डिलीवरी अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 18 to 21-22 डेज. उसके बाद दिल्ली में सामान आने के बाद दिल्ली से शिपिंग होती है बाकी स्टेट में. तो अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हैं और अगर आप कहीं और रहते हैं तो आपको शिपिंग में यू नो थोड़ा और टाइम लग सकता है, बट मैक्स टू मैक्स 30 डेज में आपका सामान डिलीवर हो जाता है बिकॉज दिस इज अ इंटरनेशनल शिपिंग. सो इट डज टेक यू नो टाइम, थोड़ा सा टाइम तो लगता है यार अब चाइना से सामान आ रहा है तो. पॉइंट नंबर 4, यू कैन चूज टू पे फॉर द प्रोडक्ट ईदर थ्रू पेटीएम और डेबिट कार्ड. अगर आपको ये लगता है कि डेबिट कार्ड इज नॉट सेफ तो आप पेटीएम के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली ऑल राइट. अगर किसी भी रीजन की वजह से अगर आपका प्रोडक्ट कैंसिल हो जाता है तो यू विल डायरेक्टली गेट द मनी बैक ईदर इन योर अकाउंट और इन पेटीएम. नंबर 5, आपको जो एक चीज का ख्याल रखना है वो ये है कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट उसमें खरीदने जा रहे हो तो नीचे उसके रिव्यूज पढ़ लें. कुछ कुछ रिव्यूज में उसमें फोटोग्राफ्स भी उन्होंने पोस्ट करी होती है तो आपको ये आइडिया मिल जाता है कि ये प्रोडक्ट कैसा दिखता है और कैसा होने वाला है. तो ये सारे रिव्यूज आपको हेल्प करते हैं ये देखने के लिए कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली में कैसे होंगे. सो ऑलवेज गो एंड चेक द रिव्यू ऑफ द प्रोडक्ट दैट यू आर प्लानिंग टू बाय. आई थिंक आई हैव कवर्ड बेसिकली ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हॉल. तो जो सबसे पहली चीज मैंने खरीदी थी वो थी ये बीनी. ये कुछ इस तरह की से है, विंटर्स के लिए खरीदी थी मैंने और काफी क्यूट भी थी. इट रियली लुक्ड नाइस ऑन मी. बट इसमें एक जो चीज बहुत मुझे खराब लगी वो ये कि यहाँ पे हमें यू नो कुछ स्टोन्स थे जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उतर गए. बट इवन देन आई थिंक दिस वॉज क्वाइट अफोर्डेबल. काफी अच्छी क्वालिटी है इसकी एंड आई थिंक यू शुड definitely buy this if you get this at a very affordable rate. Then second चीज़ जो मैंने खरीदी थी वो थी ये foundation brush. This was for I think 60 rupees. तो मैंने इसे खरीदा था 60 or I think 80 rupees. मैं prices यहाँ mention कर दूँगी. But I think this was quite expensive क्योंकि मैंने same product 50 rupees के you know सरोशि नगर में देखे थे. तो I don't think कि you should go ahead and buy this. And अब तो इसकी price काफ़ी ज़्यादा you know बढ़ चुकी है. आपको ये 150 के अराउंड मिलेगा एक ब्रश. तो आई डोंट थिंक कि आपको ये लेना चाहिए. इनफैक्ट मैंने 10 सेट लिया था ओवल मेकअप ब्रशेस का जस्ट फॉर ₹150 और शायद उससे भी कम में. तो अगर आपने मेरी पहली क्लब फैक्ट्री हॉल की वीडियो नहीं देखी तो मैं उसे यहाँ लिंक कर दूंगी. वो काफ़ी ज़्यादा सामान था, उसमें मैंने काफ़ी सस्ते दामों में काफ़ी सारा सामान खरीदा था. तो आपको डेफिनेटली वो जाके चेक करनी चाहिए. मैंने खरीदा था हेड बैंड और इसके ऊपर एक बो है और ये पिंक कलर की स्ट्राइप्ड हेड बैंड है. मुझे हेड बैंड्स का बहुत ज़्यादा शौक है तो मैंने इसलिए खरीदी थी. बट इसे थोड़े टाइम यूज़ करने के बाद इसका जो यू नो क्वालिटी है बहुत ख़राब ही हो गया है. ये इसका ऑलमोस्ट उतर चुका है. सो आप इसको ज़्यादा यू नो टाइम तक यूज़ नहीं कर पाएंगे. तो फॉर अप टू 50 rupees दिस वॉज ओके, बट बियॉन्ड दैट डो नॉट बाय दिस. आज जो मैंने खरीदा था वो था ये नेक पीस.
सो इसमें हार्ट बीट का सिंबल बना हुआ है एंड यू हैव दिस लिटिल गोल्ड हार्ट शेप समथिंग. दिस नेक पीस इज इन गोल्ड कलर. मैंने इसे ऑलमोस्ट आई थिंक 5 months हो चुके हैं ख़रीदा हुआ एंड इसका कलर बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ है. दिस इज़ रियली गुड क्वालिटी. आई रियली लाइक दिस. आपने इसे मुझे काफ़ी वीडियोज़ में पहने हुए भी देखा होगा. सो आई रियली लाइक दिस पेंडेंट एंड दिस इज रियली गुड क्वालिटी. मेरे को ये शायद 50 rupees से भी कम का मिला था. सो दैट वॉज अ स्टील. इट्स अबाउट अनदर डेंटी नेक पीस एंड दिस वॉज दिस वन. इसमें यू नो स्टोन्स हैं काफ़ी सारे एंड दिस वॉज ऑल्सो 50 rupees से कम का था. और इसकी भी जो कलर है वो अभी तक फेड नहीं हुआ है. दिस इज इन सिल्वर कलर. आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद ब्लैक हो जाएगा कुछ टाइम वेयर करने के बाद, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. इसका कलर बिल्कुल भी अभी ऐसे के ऐसा ही है. नेक्स्ट आई गॉट दिस ज्वेलरी बॉक्स जिसमें मैंने अपना काफी सारा यू नो ज्वेलरी स्टोर करके रखा हुआ है. तो जब मैंने इसे खरीदा था तो मुझे लगा था कि कम से कम इतना बड़ा होगा, बट जब ये एक्चुअली में आया तो ये इतना छोटा सा था. तो इसमें आप ज्यादा अपने यू नो ज्वेलरी स्टोर नहीं कर पाओगे. अगर आप छोटे मोटे नेक पीसेस जैसे कि मैंने अभी दिखाए ये वाले, तो आप इसको ईजिली इसमें स्टोर कर सकते हो, बट उससे बड़े ज्वेलरीज आप इसमें स्टोर नहीं कर पाओगे. पैसों के हिसाब से ये ठीक था. और इसके अंदर जो कंपार्टमेंट है वो आप एडजस्ट कर सकते हो. सो यू गेट दीज थिंग्स, यू कैन ईजिली यू नो एडजस्ट इट. और आपको जितना इसमें कंपार्टमेंट चाहिए आप अपने कंफर्ट के हिसाब से उसमें इतने कंपार्टमेंट्स बना सकते हैं. आई गॉट अनदर पेंडेंट और उसमें एस लिखा हुआ है, एज यू गाइस कैन सी. सो सिंस माय नेम इज सोमी, तो मुझे एस नाम का पेंडेंट चाहिए था, तो मैंने वो ले लिया. और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड यू वोंट बिलीव मैंने इसे कितने रुपए में लिया है. आई बॉट दिस फॉर जस्ट ₹10. यस, मैंने 10 rupees में ये पेंडेंट खरीदा था एंड आज तक यू नो इसका कलर कहीं फेड नहीं हुआ है. ये सिल्वर था और अभी भी सिल्वर है एंड दिस वॉज रियली अ ग्रेट बाय. आई बॉट अ फोन कवर फॉर माई फोन. So I have iPhone 6s and this is how the cover look like. इस पर ये fur material है, अंदर से ऐसा दिखता है. काफ़ी अच्छा है. मैंने Instagram पे काफ़ी लोगों को देखा था इसको यूज़ करते हुए. अंडर यहाँ पे डिटेलिंग है जो कि छुप जाता है. कवर अच्छा है नो डाउट, बट इट गेट वेरी अनकम्फर्टेबल. अगर आपको सिर्फ शो ऑफ के लिए खरीदना है तो आप उसको खरीद सकते हैं, बट अगर आपको डेली यूज़ में इसको अगर यूज़ करने के लिए आप ये कवर ले रहे हैं तो आई वोंट सजेस्ट इट. इनफैक्ट इसमें ये जो कवर में होल है वो भी छुप जाता है इस फर की वजह से, तो आप फोटोज़ भी नहीं ले पाते हो. सो for the price I paid, this was quite affordable. Next, I bought a box of tissues and this is how the box looks like. मैं इसको almost 3 to 4 months से use कर रही हूँ and still I have just managed to finish this much. इसमें काफ़ी ज़्यादा you know tissues हैं. I think 1000 pieces and this is how this is. Quality wise I would say कि एक अगर आप टिश्यू देखो तो इतना अच्छा क्वालिटी नहीं है, काफ़ी थिन मटेरियल है. तो अगर आप इसको यू नो मेकअप रिमूव करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं या टोनर लगाने के लिए, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 3 to 4 टिश्यूज़ को एक साथ क्लब करके देन इसे यूज़ करें, देन आई थिंक दिस इज़ रियली गुड. नेक्स्ट आई बॉट वन मोर फोन कवर एंड दिस वॉज दिस वन. दिस हैज़ अ वेरी मैट फिनिश और यहाँ पे यू नो कलर्ड था, पिंक कलर में मैंने लिया था. ये काफ़ी अच्छा फ़ोन कवर था. आई बॉट दिस फॉर ₹50 or ₹60 आई गेस एंड फॉर दैट price I think this was a really good phone cover. I mean you get this for 150 to 200 rupees in India. So for that price I think this was a really good cover. However kuch time ke baad iska jo ye tha ye nikal gaya tha yahan se, to that was not safe ki main apna phone is cover ke sath use karu, but till the time I used this, this was amazing cover. Bought a spray bottle and this is the spray bottle. थोड़ा सा एक्सपेंसिव था फॉर द क्वालिटी दिस इज़. इससे जो स्प्रे आप अपने फेस पे करते हो वो इवन नहीं होता है, एक ही पोजीशन पे सारा स्प्रे आ जाता है. सो आई डोंट लाइक द क्वालिटी ऑफ दिस एट ऑल. इनफैक्ट आपको जितने रुपए में मैंने ये बॉटल खरीदी थी उतने में अभी आपको कोई भी यू नो ब्रांड से आप रोज़ वाटर ले सकते हो स्प्रे बॉटल्स वाले, या टोनर ले सकते हो स्प्रे बॉटल्स वाले, और उनकी क्वालिटी इससे ज़्यादा अच्छी होती है. तो आई एम नॉट हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट. Next I bought a earring holder and this is how this looks.
इस पर मैंने अपनी सारी इयररिंग्स स्टोर करी हुई हैं और ये काफ़ी अच्छा था, काफ़ी चीप था, तो आई थिंक दैट दिस वॉज अ स्टील फॉर मी अगेन. आप इसमें अपनी 36 पेयर ऑफ इयररिंग्स स्टोर कर सकते हो, तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड डील. आप इसको अगर आप कहीं देखो तो आप इसको ज़रूर बाय कर ले, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी यूजफुल भी है. आई गॉट द कल्ट फेवरेट एंड दैट इज़ दिस प्रोटेक्टिव केसिंग. सो अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है. मैं इसको यूज़ करती हूँ अपना ईयरफोन स्टोर करने के लिए, क्योंकि आपके ईयरफोन्स ईजिली यू नो टैंगल हो जाते हैं, फिर उसको डी टैंगल करना बहुत मुश्किल होता है. तो मैं उसको रोल करके इसके अंदर, जो ये कंपार्टमेंट है अंदर की तरफ, मैं इसमें स्टोर कर लेती हूँ, तो मेरा वो बिल्कुल टैंगल फ्री रहता है. एंड दिस वॉज अ रियली ग्रेट बाय. कुछ लोग इसको अपना चार्जर स्टोर करने के लिए भी यूज़ करते हैं, बट अगर आपका आईफोन का चार्जर है इतना छोटा वाला तो वो इसमें फिट आ जाएगा, बट मैंने इसमें अपना सैमसंग और सोनी का चार्जर फिट करने की कोशिश की थी, तो उसके लिए ये थोड़ा सा छोटा है. दिखने में थोड़ा बड़ा लगता है, बट अंदर से इसका स्पेस काफ़ी कम है. तो अगर आप इसको अपने चार्जर को स्टोर करने के लिए सोच रहे हैं खरीदने के लिए, तो आई वोंट सजेस्ट यू टू बाय दिस वन. नेक्स्ट आई गॉट समथिंग विच इज़ दिस. अब आप पूछेंगे कि ये क्या है, तो एक्चुअली दिस वॉज यू नो अ फ्रूट कटर. यहाँ पे काफ़ी सारे ब्लेड्स थे एंड वॉट यू वर सपोज टू डू वॉज कि आप यहाँ पे कोई अपना फ्रूट रखो जिसको आपको काटना है एंड आपको जस्ट इसे प्रेस करना है एंड वो फ्रूट आपका कुछ पीसेस में डिवाइड हो जाएगा. एंड द सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम था, क्योंकि वो ब्लेड्स जो थे वो इतने शार्प नहीं थे. मुझे उसको बिल्कुल ऐसे ऐसे फ्रूट का बस कुचुम्बर निकाल दिया मैंने, बट उसमें पीसेस फिर भी नहीं हुए. एंड सेकेंड टाइम जब मैंने इसे यूज़ किया तो इससे जो ब्लेड था वो ईजिली बाहर आ गया, तो बहुत ही बेकार क्वालिटी था. मैंने इसके शायद 100 या उससे ज़्यादा कुछ में ख़रीदा था, ये एकदम वाहियात बेकार. अगर आपको ये कहीं दिख रहा है, आई नो दिस इज़ वेरी यूज़फुल, जो लोगों के पास टाइम नहीं होता है चाकू लेके फ्रूट्स कट करने के लिए, उनके लिए बहुत यूज़फुल है, बट एज अ क्वालिटी वाइज दिस इज पथेटिक. डू नॉट बाय दिस वन, एटलीस्ट फ्रॉम क्लब फैक्ट्री. नेक्स्ट आई बॉट अ पेयर ऑफ क्लिप्स एंड दिस इज हाउ दिस लुक्स. काफ़ी क्यूट है, इसमें यू नो कुछ डिटेलिंग है स्टोन्स की और यहाँ पे रोज शेप में फ्लावर है. सो आई रियली लाइक क्यूट यू नो क्यूट क्लिप्स एंड एवरीथिंग. आई एम जस्ट फॉन्ड ऑफ दैट, सो दैट्स वाई आई गॉट दिस वन. रियली गुड क्वालिटी, आई वोंट से बैड और समथिंग, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं. नेक्स्ट जो मैंने ख़रीदा था वो था ये ट्राईपॉड. ये मुझे 60 रुपीज़ में मिला था क्लब फैक्ट्री पे, और अब जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा था, फ्लेक्सिबल था, आप इसको जैसे चाहे मोड़ सकते हैं. काफ़ी यू नो साइज़ में छोटा है, बट मैंने इससे काफ़ी अपने यूट्यूब के वीडियो शूट करे हैं, तो इट वॉज रियली गुड परचेज एट दैट टाइम. बस इसमें मुझे एक जो इसमें प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इसके साथ में जो अटैचमेंट आया था वो बहुत जल्दी टूट गया था, तो वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था. बट अगर आप अलग से एक अटैचमेंट ले सकते हैं तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ रियली गुड. नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई बॉट वॉज दिस लिपस्टिक होल्डर. तो आप जैसे देख सकते हैं मैंने अपनी सारी लिपस्टिक्स इसमें स्टोर करके रखी हुई है. क्वालिटी ठीक है, मतलब जब मुझे फर्स्ट टाइम ये डब्बे में रिसीव हुई थी तो इसका एक लेग यहाँ से टूटा हुआ था, आई थिंक ट्रांजिशनिंग में डिलीवरी में, आई डोंट नो वेयर ये टूट गया. तो मुझे सिर्फ एक वो इससे कंप्लेन है, अदरवाइज दिस इज़ वर्किंग रियली फाइन. आपको ये अब आई एम नॉट श्योर अभी कितने का मिल रहा है, बट जब मैंने खरीदा था दिस वॉज फॉर अराउंड 100 to 150 पर पीस, एंड दैट टाइम इट वॉज रियली गुड बाय, क्योंकि उस टाइम पे अमेजोन पे इसके प्राइसेस 300-400 थे, तो आई वॉज लाइक इतना सस्ता मिल रहा है तो छोड़ना नहीं है, उसको खरीद लेना है. तो मैंने दो डब्बे खरीद लिए थे, अब मुझे लग रहा है कि मुझे शायद थोड़े ज़्यादा डब्बे खरीद लेने चाहिए थे, क्योंकि लिपस्टिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है यार. तो एवरीथिंग असाइड दीज वर रियली गुड अमेजिंग क्वालिटी. मैं इसमें अभी तक इसमें अपने सारे लिपस्टिक स्टोर कर रही हूँ. जस्ट मेक श्योर कि आप इसको ड्रॉप ना करें, अदरवाइज ये टूट सकता है. अच्छे से संभाल के रखेंगे तो आई थिंक फॉर द प्राइस दैट यू आर पेइंग दिस इज रियली गुड. नेक्स्ट थिंग दैट आई बॉट वॉज दिस हैट. अब मतलब समर्स आ रहे हैं तो यू रियली नीड अ हैट, सो आई गॉट दिस वन एंड आई रियली लाइक दिस. आई मीन काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेशियस है,
समर्स में यूज़ कर सकते हैं, कहीं बीच पे जा रहे हो, हॉलीडे पे जा रहे हो, तो यू कैन बाय दिस. इज़ रियली गुड. अभी तक जैसा है वैसा ही है, कुछ इसमें एज सच डैमेज नहीं हुआ है, तो आई रियली लाइक दिस. सो या गाइज, दैट वॉज माई क्लब फैक्ट्री हॉल एंड माई कम्प्लीट रिव्यू. मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि इनमें से आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है, और आपने इनमें से कोई भी प्रोडक्ट क्लब फैक्ट्री से परचेज किया है तो आपका एक्सपीरियंस क्या है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है. मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे क्लब फैक्ट्री की हॉल्स, अली एक्सप्रेस की हॉल्स, नायका हॉल, मतलब मैं हॉल्स वीडियो तो बनाती रहती हूँ, और उसके अलावा मैं मेकअप ट्यूटोरियल्स और एक्ने एंड स्किन केयर रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ. तो अगर आपको इन सारी वीडियोस में भी इंटरेस्ट है तो मेरे वीडियो को छोड़ के जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. उसके सामने घंटे का साइन आएगा तो आप उसे भी क्लिक कर लेना, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो आप मिस ना करें और आप सबसे पहले मेरी वीडियोज़ को देख सकें. और कॉमेंट कर देना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, मेरी पुरानी क्लब फैक्ट्री की वीडियो भी देख लेना, मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर लेना. मेरे सारे सोशल मीडिया का हैंडल नखरे वाली ही है, तो आप ईजिली कहीं भी जाओ, मुझे सर्च कर लो, मैं आपको मिल जाऊंगी. एंड टिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय.